साथियों, शिक्षक भर्ती का जो विस्तृत सिलेबस है और 3-4 बिंदु लगातार कमेंट और ट्वीट आ रहे हैं और मैं आप लोगों को तमाम चीज़ों पर चर्चा तो करूंगा, लेकिन ये शिक्षक भर्ती विस्तृत सिलेबस के बारे में मैं कहने से पहले इस पर मुझे बहुत कुछ कहना है कि कब जारी होगा, अभी तक क्या हुआ और जब हम बीकानेर जाके आए उसका परिणाम क्या है, ये सब आप लोगों को मैं तथ्यात्मक बताऊंगा किस कारण से कल सिलेबस जारी नहीं हुआ और अब सिलेबस कब जारी होगा, इस चीज का मैं जवाब दूंगा, हर व्यक्ति का जवाब दूंगा। विशेष जो विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकालने की मांग थी, रीट के बाद जो शिक्षक भर्ती उसका विस्तृत सिलेबस और जो रीट 2021 में जो पद खाली थे, कई लोग कह रहे कि पद खाली है, 256 पद खाली है, ये पद खाली है, सूची जारी नहीं हो रहे, कार्यालय लोग चक्कर काट रहे थे। अब मैं शिक्षक भर्ती के विस्तृत सिलेबस के बारे में बात करना चाह रहा हूँ, मंत्री जी से मैं मिला। अब एक चीज और बता रहा हूँ, जो कई लोग विस्तृत सिलेबस के लिए बात कर रहे हैं ना कि अभी तक क्यों जारी नहीं हो, अब आ रहा था, आ जाएगा, अभी तक क्यों नहीं आया, सवाल इस पे उठा रहे। आप सोचिए, उपेन यादव के अलावा कोई गया, किसी ने भाग दौड़ की, किसी ने फोटो खिंचवा के डाल दिया, ट्वीट कर दिया, उसको आपने मान लिया। पता है पहले हम लड़ाई लड़े कि खटीना स्तर कम हो, क्योंकि लेवल फर्स्ट में इतना कोई दिक्कत नहीं, लेवल फर्स्ट में 12वीं तक का है, वो तो 12वीं करके आप बीए करके आप बीएसटी से डीएलएड करे तो आप सैन कर सकते, लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल का था, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेवल का उनका खटना स्तर था, तो उनका खटना स्तर कम करवाया कि नहीं करवाया, आपका सबसे ज्यादा जीके जुड़वाया कि नहीं जुड़वाया आपके सिलेबस में, और अब आपका विस्तृत सिलेबस के लिए पता है मुझे मंत्री से एक बार दो बार तीन बार चार बार मिले। जब मंत्री जी से मिलने के बाद एसीएस शिक्षा विभाग से मुलाकात की, नहीं मेरे पास लेटर नहीं आया, मैं उन्हें एसीएस के सामने मैंने कहा ठीक है कल आपके पास लेटर आएगा, फिर दोबारा गया और मैंने कहा मंत्री जी को कि मंत्री जी आप लिखिए इस पे क्योंकि वो एसीएस साहब भी कह रहे हैं पीके गोयल जी कि मेरे पास लिखित में कागज आएगा तब मैं मीटिंग बुलाऊंगा बोर्ड की और बीकानेर निदेशालय के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में। आपने देखा होगा मैंने नोट करवाया लिखवाया, आपने देखा हो तो जो हवा में बात करते हैं ना कि क्या हुआ सिलेबस का, एक एक चीज के लिए 10-10 बार भागा हूं आप लोगों के लिए, लिखवाया और जाके एसीएस साहब को मैंने दिया कि ये लो साहब, फिर उनके उन्होंने फिर 7 तारीख की मीटिंग रखवाई, फिर वो जो चुनाव की वजह से वो उदयपुर चले गए, सब लोग उदयपुर से वापस आए, एसीएस साहब 20 तारीख तक बाहर चले गए और उसके बाद 24 तारीख को मीटिंग हुई और उसके बाद 28 तारीख को जो उसके मिनट्स आए, फिर मामला ठंडे बजते हुए फिर शिक्षा मंत्री जी से मिला, फिर शिक्षा मंत्री जी ने फोन किया। अब शिक्षा मंत्री जी थोड़े सीधे हैं, उन्होंने फोन मेरे सामने किया, बात में रखी कि यार मैंने निदेशक महोदय जी को बोल दिया, मुझे फिर कार्यालय आया तो मुझे विशेष शिक्षा वाले मिले, उधर वो सूची जारी करवाने वाले, मैंने कहा यार निदेशक जी सुन नहीं रहे, अब तो बीकानेर जाना पड़ेगा, ऐलान किया। फिर जयपुर से मैं निकला एक दिन पहले और बीकानेर पहुंचा, और वहां भी बीकानेर पहुंचा तो वहां भी मंत्री जी ने हेल्प की, उन्होंने निदेशक जी को बोल दिया कि इनकी मीटिंग में निस्तारण करिए, ये लोग यहाँ बैठ जाएंगे धरने पे। हम गए वहां धरना किया, प्रदर्शन किया, वहां बैठे, जब निदेशक जी से मुलाकात हुई निदेशक जी ने कहा कि हमारे पास मैसेज था आप लोग आओगे, मैंने एक दिन पहले ही बीकानेर से टीम जयपुर भेज दी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर हमारे सामने डिप्टी जो डायरेक्टर थे उनको कहा कि आप उनको फोन करिए जो बीकानेर से जयपुर गए, उनको कहिए कि जब तक सिलेबस का काम नहीं हो वो बीकानेर नहीं आए। हमारे सामने जो हम कम से कम 5-6 लोग हमारे डेलीगेशन पुलिस वाले वहां मौजूद थे। मैंने कहा यार तो निदेशक जी फोरम में है बोल रहे हैं कि, मैंने कहा अच्छी बात है वो नहीं आए तो हमारा सिलेबस जारी होना चाहिए विस्तृत सिलेबस हमारे सामने, क्योंकि उनको पता ही है यहां से नहीं जाएंगे, बोला उन्होंने। और सोमवार को ही जब हमारी जो बात हो रही थी और हमारे उन्होंने कहा कि हम लोग अभी ही अधीनस्थ बोर्ड जा रहे हैं, जब हमारी वार्ता हो रही थी और अधीनस्थ बोर्ड सोमवार को ही पहुंच गए, सोमवार मंगलवार बुधवार तक काम चला आपका, आपके विस्तृत सिलेबस को लेकर काम चला। और अब कल शाम को अधिकतर सारा काम हो गया था, जब मैं सुबह 3 तारीख को जब चेयरमैन साहब से मिला, क्योंकि वहाँ ऑडिटोरियम में जो कृषि युवा संवाद कार्यक्रम था मैं वहाँ गया था, मैंने कहा चेयरमैन साहब से मुलाकात कर लेता हूँ। चेयरमैन साहब ने कहा कि 99% आज सिलेबस हमारी तरफ से सिलेबस जारी हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कहा कि चेयरमैन साहब से मिलाऊँ और लगभग सिलेबस जारी हो जाएगा। अब समस्या यह आई कि वहाँ 3 दिन से टीम तो आ रही थी, उनको जो बोर्ड की तरफ से टीम भी थी, कुछ विशेषज्ञ भी आ रहे थे, लेवल प्रथम का हो चुका था लगभग तैयार, पूरा तैयार हो गया लेवल प्रथम, सेकंड में विषय अनुसार जारी हो तैयार हो रहा था,
बोर्ड की तरफ से जितनी हेल्प थी वो कर दी, लेकिन समस्या आई कि जो सिंधी का और पंजाबी का, मुझे ये भी पता है सिंधी और पंजाबी का, और जो सिंधी और पंजाबी जो और भी विषय हैं उनका, उन्होंने और जिलों से जो इस भाषा के अच्छे ज्ञाता है उनसे ये विस्तृत सिलेबस तैयार करवाया था। उन्होंने कहा कि पहले यह था कि यहाँ के विशेषज्ञ तैयार कर देंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए। अब नहीं आ पाए तो उन्होंने अन्य जिलों में वो विस्तृत सिलेबस के लिए तैयार करवाए, उनको भेजा गया। उन्होंने कहा वो टीम वापस लौट चुकी है। और मैं आपको अच्छी बात बता दूं कि अन्य जिलों में जैसे गंगानगर से आपने पंजाबी का करवाया, ठीक है, सिंधी का करवाया, तो वो विस्तृत सिलेबस जो उनको तैयार करने के लिए दिया गया था वो भी बीकानेर आज रिपोर्ट वो भी चली गई है। अब आप कह रहे हैं कि यार कल जारी क्यों नहीं हुआ, बोले सिलेबस जारी क्यों नहीं हुआ, आज जारी होने वाला था। अरे भाई अचानक दिक्कत, आप सवाल उठाओगे नहीं ये सब सिलेबस खराब आ गया, ये गड़बड़ी हो गई, यार वो देखते हैं, अब उसको कल पुटअप करेंगे, उसको एक बार जांचेंगे, देखेंगे। जारी करने से पहले जिम्मेदारी उनकी बनती है, वो उसको उसके बाद जारी करें। अब कह रहे हैं कि कब जारी होगा, भैया इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, जयपुर से बीकानेर भी गया हूँ, वहाँ लड़ा हूँ, बैठा हूँ, मंत्री के कितने चक्कर काटा हूँ, आपका कटना स्तर कम करवाया, जी के जोड़ा है, ACS के चक्कर काटा है, कल चेयरमैन से मिला हूँ, और अब मेरी लगातार नीचे से मोदी जी कह रहे कि भाई जी आप इतना फ़ोन क्यों करते हो, क्यों परेशान करते हो, नाराज चल गए, वो नाराज हो गए मेरे से कि हम जारी कर रहे हैं, इतना प्रेशर मत बनाओ। लेकिन फिर भी निदेशक जी ने हमारे सामने ही बोला कि आप जयपुर से बीकानेर तभी आना जब काम होने के उनका काम हो गया तब गए, क्योंकि वो सिंधी और जो पंजाबी वाला मामला था वो अन्य जिले से कराया, यहाँ विशेषज्ञ नहीं मिल पाया, वहाँ से उन्होंने करवाया और वो बार उनके बीकानेर पहुँच चुके हैं, वो भी जो और विषय जो रह गए थे उनका पहुँच चुके हैं। अब एक बार उसको जांचेंगे क्योंकि कोई भी गड़बड़ी ना हो, और फिर वो वहाँ से बीकानेर निदेशालय से आपके विस्तृत सिलेबस जारी होगा। अब कब जारी होगा भैया, अब एक दो दिन मान लीजिए कल परसों में हो जाए, और कल परसों में नहीं है तो सोमवार मंगलवार तक, आपने इतने महीने इंतजार कर लिया, आप बताइए, हम एक तारीख को पूछे और एक तारीख को हम जाके बैठ गए तो एक दो तीन और चार दिन और लग जाए। मान लो मैं आशा है कि कल मान लो जांच करके पुटअप हो गए तो एक दो दिन में जारी कर दे, नहीं करे तो सोमवार मंगलवार बुधवार तक भी चले, अगले वीक तक भी चले जाए। यार हमने देखो, आप बताइए कि हम वहाँ जाके प्रेशर बना रहे, तो आप जो साथी गए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, उस जो साथी गए 5-6 लोग पूछे थे सिलेबस वाले, वो सूची जारी करवाने सबसे ज्यादा थे, कुछ 10-15-20 लोग थे वो विषय शिक्षा वाले, इसलिए वो भीड़ हो गई नहीं आए, फिर भी प्राथमिकता मांग रखी और आप परिणाम मिलने वाले वो भी आप लोगों को संघर्ष, इतनी स्टोरी आप इसलिए बता रहा हूँ, कुछ सवाल उठाते कब आएगा, आपने कहा आ जाएगा, आपने कहा फिर क्यों नहीं आए। अरे भाई परिस्थितियां बदल गई, विशेषज्ञ नहीं मिला तो उन्होंने दूसरे जिले से बना दिया, एक दिन लेट हो गया, दो दिन लेट हो गया, आपने इतने महीने इंतजार किए, 2-4 दिन इंतजार नहीं कर सकते। आप कभी घर से निकल के चक्कर काटना मंत्री जी का, कभी निदेशालय चक्कर काटना, और वहाँ ACS शिक्षा आप जाना, मिलना, फिर पता चलेगा कि कहाँ कितनी देर खड़ा देना पड़ता है, मिलना पड़ता है, क्या क्या इंतजार करना, कितना भागना पड़ता, तब एहसास होगा इतनी भाग दौड़ के बाद ये काम हो पाया। तो कम से कम संयम रखिए, दुख इसलिए होता है कमेंट करते नहीं आपने झूठ बोला, अरे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार, जो मैं कहता हूँ ना वो चीज़ें आप पता कर लिया करो जाके, ये वीडियो होता है ना उसको ले साहब, ये ऊपर याद हो, ये वीडियो में ये बोल रहा है, ये रिकॉर्ड होता है, ये ऑनलाइन रहता है, आपको पता है, इसलिए आप थोड़ा सा संयम रखिए। इस वीक में पूरी संभावना नहीं होता, अगले वीक में, क्योंकि मान लो कोई अब उन्होंने तैयार किया है, जारी कर रहे हैं, तो शायद उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो, कुछ गलतियां ना हो, तो वो जांच करवा रहे हैं, उसमें एक दो दिन एक्स्ट्रा भी ले लेते हो, तो इसलिए भोकला अपने उसे घबराना नहीं चाहिए, क्या हुआ क्यों नहीं आया, तो थोड़ा सा आप संयम रखना, आप टीचर बनने जा रहे हैं, आपसे मैं नहीं दूंगा, संयम रखो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, SST वालों को बहुत ज़्यादा फायदा है, 60 क्वेश्चन तो आएंगे, इसलिए SST के विषय में भी कई GK के क्वेश्चन आएंगे, और सिलेबस इस बार बड़ा लेंथी नहीं होगा, जहाँ तक मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि सिलेबस अच्छा है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा और अच्छा बता रही है उनका, अभी तक आएगा तो पता चलेगा, कई लोगों से मेरी बात हुई कह रहे अच्छा होगा, सिलेबस को लेकर बहुत लंबी चर्चा हो गई, लेकिन जो भी स्थिति होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा।